सो भाई जी हमारे पास एक्सट्रीम का एकोस्टिक XAW LG के बन वायरलेस माइक्रोफोन, तो इसका हमने अनबॉक्सिंग किया था अभी रिसेंटली। तो आप इसके बारे में कुछ टेस्टिंग करने वाले हैं और कुछ फीचर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे गाइस और काफ़ी कुछ इसके बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस तरह के हमें कुछ यहाँ पर दो यूनिट मिलते हैं, ये हमारा माइक्रोफोन है और ये हमारा रिसीवर है। तो ये हमारे इसका कुछ यूनिट मिलते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर और क्या क्या मिलता है वो सभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो एक ही केबल है TRRS to TRRS, ठीक है, जो कि मोबाइल फ़ोन के लिए यूज होगा। सेकंड यहाँ पर Type-C to C केबल मिलता है, ये भी आपके मोबाइल फ़ोन में यूज़ हो सकता है अगर आपका फ़ोन USB Type-C के थ्रू ऑडियो सपोर्ट करता है तो। इसके बाद गाइस यहाँ पर है ये चार्जिंग के लिए, इसके यहाँ पर सिंगल USB से आपको यहाँ पर Double Type-C वाले पोर्ट मिल जाएंगे, दोनों ही को आप एक साथ चार्ज कर सकते हैं। और ये आपके कैमरा के लिए हैं या फिर PC के लिए। यहाँ पर TRRS to TRRS कनेक्टर होता है। तो ये था कुछ बॉक्स पैकिंग इसकी। इसके अलावा यहाँ पर एक मैनुअल भी है, तो मैनुअल को रखते हैं साइड में और मैं आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले गाइस वहाँ पर बात कर लें हम चार्जिंग के बारे में, तो दोनों किस तरह चार्ज होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास एक पावर बैंक और हमने ये जो केबल है इसका चार्जिंग वाला वो ले लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ लगाता हूँ माइक्रोफोन को, तो देख सकते हैं चार्जिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। और ये जो रिसीवर है इसको मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ, तो देख सकते हैं चार्जिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। और गाइस चार्जिंग जो फुल हो जाती है तो यहाँ पर जो लाइट, ये बैटरी वाली जो इंडिकेटर यहाँ पर जो ग्लो कर रहा है, तो ये ग्लो करना बंद कर देता है जब बैटरी चार्जिंग यहाँ पर फुल हो जाती है। तो इस तरह को चार्जिंग होता है इसका। और अगर आप यहाँ पर रिसीवर को Type-C के थ्रू अपने फ़ोन के साथ यूज़ करेंगे तो ये आपके फ़ोन से ही चार्ज होता रहेगा, इसको आपको सेपरेटली चार्ज करना ही पड़ेगा। और बैटरी बैकअप यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसके यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जो हमारे मैनुअल में यहाँ पर इसका बैटरी लाइफ लिखी, बैटरी टाइम लिखा हुआ है। तो जो रिसीवर है उसका टाइम यहाँ पर लिखा हुआ 8 घंटे, और जो यहाँ पर लिखा हुआ लॉन्चर मतलब जो हमारा माइक्रोफोन है उसका जो बैटरी टाइम है वो है 5 घंटे। तो दोनों को ही मैं मानता हूँ लगभग यहाँ पर एक एक घंटा कम ही कर लो, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स्ट्रा लिखा हुआ होता है। तो ये इससे कुछ बैटरी टाइम हो गया। चलिए अब बात करें तो यहाँ पर कुछ इसके मोड्स के बारे में, क्या क्या मोड यहाँ पर दिए गए हैं। तो रिसीवर में यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ से आपको ऑन करना है, इधर से आपको ऑन ऑफ किए ऑन करना है। और सिंपली इसके बाद यहाँ पर जो मॉनिटरिंग करेंगे हम इससे, उसके लिए दो वॉल्यूम बटन दिए हुए हैं, इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो ऑडियो हम अपने फ़ोन के लिए या फिर PC में जो रिकॉर्ड करेंगे माइक पोर्ट के थ्रू वो यहाँ से लेंगे, और अगर आप PC में यूज़ करें तो लाइन इन पोर्ट के थ्रू आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। और Type-C से भी ये ऑडियो आउटपुट देता है। तो कनेक्टिविटी यहाँ पर मल्टीपल हैं, किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर एक साथ आप कई डिवाइस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप Type-C से और मॉनिटरिंग जैक से। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा माइक वाला पोर्ट है जो फ़ोन में लगेगा बेसिकली, तो कई सारे कनेक्टिविटी यहाँ पर हमें मिल जाती है इनमें, कि आप इसको मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं एक साथ। आप यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो गाइस यहाँ पर आपको मिलेगा एक Type-C वाला चार्जिंग के लिए पोर्ट, तो ये सिर्फ चार्जिंग के लिए वर्क करेगा। इसके अलावा जो गाइस यहाँ पर दूसरा पोर्ट हमारा है वो है यहाँ पर हेडफोन मॉनिटरिंग के लिए, तो यहाँ से भी आप मॉनिटर कर सकते हैं और यहाँ से भी आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो इसमें ये अच्छी बात है कि आपको मॉनिटरिंग करने के दो ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसमें कि आप अगर अपने PC एक से आप अपने PC में रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑडियो, और दूसरे में आप मॉनिटर कर सकते हैं हाथों हाथ, और तीसरा भी यहाँ पर आप Type-C से रिकॉर्ड कर सकते हैं और इससे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं जो हमारे रिसीवर में ये जैक मिलता है यहाँ पर ये वाला। तो कनेक्टिविटी बात में कनेक्टिविटी यहाँ पर काफ़ी सारी यहाँ पर जो है वो अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर दी गई हैं। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर देखते हो ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको माइक्रोफोन मिलता है, एक पावर ऑन ऑफ की है, और यहाँ पर एक ये लेवलर माइक्रोफोन एक्सटर्नल जो आप अलग से लगाना चाहते हैं तो इसमें आप लगा सकते हैं, वरना आप इससे ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये इससे कुछ फीचर थे यहाँ पर। चलिए अब इसके कुछ यहाँ पर की दिए गए इनके फंक्शन के बारे में बात करें, क्या क्या वर्क करते हैं यहाँ पर एक ही।
तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले ब्लूटूथ की है, तो की के बारे में मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में बता रखा है तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो ब्लूटूथ की इसको दबाने के बाद आपका ब्लूटूथ इसका ऑन हो जाएगा, और ब्लूटूथ से सिर्फ यही कनेक्ट होता है, ये नहीं कनेक्ट होता है। लेकिन जब आप इसको ऑन रखेंगे दोनों को तो आपस में दोनों कनेक्ट रहेंगे, लेकिन ब्लूटूथ से ये कनेक्ट रहेगा। तो दूसरा यहाँ पर मिलता है एक ही नॉइज़ कैंसिलेशन कम ज़्यादा करने का, इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको एक बार ऑन कर लेता हूँ, ये गाइस ऑन हो गया। तो नॉइज़ कैंसिलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मेजर करने के लिए आप देख सकते हैं दो LED ग्लो हो गई। तो अब जो इसका नॉइज़ कैंसिलेशन है वो फुल पर वर्क कर रहा है, और यहाँ पर जो माइक वॉल्यूम के लिए होता है जहाँ पर माइक छपा हुआ है, तो यहाँ पर इसको आप दबाएंगे आप तो यहाँ पर देखते हैं अब माइक की जो ऑडियो है वो फुल हो गई है। और ये करोगे का बटन है यहाँ पर, करोगे जब भी काम करेगा जब आपके दोनों ही आपस में कनेक्ट होंगे। तो इस तरह के कुछ यहाँ पर की मिलते हैं। अब बात कर रहे थे करोगे के बारे में यहाँ पर, तो आप इसको जो है ब्लूटूथ को बटन को प्रेस करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर जो सब ब्लूटूथ ऑन हो गया है देख सकते हैं, ब्लूटूथ यहाँ पर इसका ऑन हो गया है, एक बार प्रेस करने में ऑन हो जाता है। तो आप इसको आप पेयर कर सकते हैं अपने किसी स्मार्टफोन के साथ, और साथ में आप इसको भी ऑन कर लीजिए ताकि ये आपस में दोनों कनेक्ट रहें। तो अभी ये ऑन हो गए और कनेक्ट भी हो गए, और यहाँ पर ब्लूटूथ ये ब्लिंक कर रहा है। तो अभी ये कनेक्टेड नहीं है, मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है कनेक्ट करने के लिए। तो इस केस में होता क्या है, जैसे मैंने टेस्ट इसको किया था कि आप यहाँ पर इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे, तो आप ब्लूटूथ से यहाँ पर करोके का जो म्यूज़िक है वो आप इसको देंगे किसी एक फ़ोन के थ्रू, दूसरा आप यहाँ से जो है अपने हेडफोन लाकर इसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं हैंड टू हैंड कि हाँ ऑडियो कैसा आ रहा है, और मॉनिटरिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सॉरी, इसको यहाँ से मॉनिटरिंग करेंगे और इसको यहाँ से मॉनिटरिंग करेंगे, दोनों में मॉनिटरिंग के लिए हेडफोन जग दिए हुए हैं, आप यहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और सिंगिंग के लिए आप चाहें तो यहाँ पर लेपलर माइक लगा सकते हैं, और चाहें तो इसी के माइक से यहाँ पर सिंगिंग कर सकते हैं। करोके का मोड यहाँ पर यूज़ करने के लिए आपके दोनों ही ऑन होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने इसको ऑन किया ब्लूटूथ से इसको म्यूजिक दिया और यहाँ से आउटपुट लेकर आप करोके का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर करोके काम नहीं करेगा। ऐसे इसमें कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या दिक्कत है ये। अब ये दोनों ही कनेक्टेड है, अब यहाँ पर मैं करोके का इसे दबाकर करोके का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर जो है करोके मोड इसका ऑन हो जाएगा, जो इसलिए रिवर्ब मोड होता है, साउंड में रिवर्ब इफेक्ट आता है, काफ़ी अच्छा लगता है सिंगिंग करते वक्त, तो वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो ये सब कुछ फीचर था। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर जब आप यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आप कहीं से भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में या पीसी में, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो चलिए मैं इसे कुछ साउंड टेस्ट आपको दिखा देता हूँ करके यहाँ पर, जो कि यहाँ पर जो रिवर मोड में कैसी आवाज़ आती है और विदाउट रिवर मोड यहाँ पर कैसी आवाज़ आती है, चलिए वो चेक कर दिखा देता हूँ। और थोड़ा बहुत यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, इससे सिंगिंग तो मैं नहीं करने वाला इसके साथ, बट रिवर मोड में आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरह से ये इसका रिवर मोड वर्क करता है। और हम मैं आपको बता दूँ, मैंने इसको चेक किया है सिंगिंग के लिए, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और अगर आप यूट्यूब वीडियो के लिए ले रहे हैं इसको तो आपको थोड़ा सा निराश कर सकता है, बट करोके के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी और काफ़ी अच्छा रिवर इफेक्ट मिलता है इसमें, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। बट जो YouTube वीडियो के लिए साउंड रिकॉर्ड करते हैं वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम देता है, वो आपको पता लग जाएगा। मैंने अनबॉक्सिंग में ही बताया था कि यहाँ पर जो है वॉइस के साथ जब हम बोलते हैं तभी यहाँ पर जो है एक नॉइज़ जो है वो रिकॉर्ड होता है, और अगर हम चुप रहेंगे साइलेंट तो यहाँ पर कोई भी नॉइज़ ये रिकॉर्ड नहीं करता, बस बोलने के साथ ही यहाँ पर नॉइज़ रिकॉर्ड करता है, चाहे आपका नॉइज़ रिडक्शन फुल हो या कम हो। और नॉइज़ रिडक्शन हम यहाँ फुल कर देते हैं तो फिर जो है आवाज़ जो रिकॉर्ड होती है वो बहुत कम होती है, कटी कटी होती है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम है इसके साथ। तो प्रॉब्लम अब ये पता नहीं प्रॉब्लम मेरे साथ ही आ रही है, सभी केस में ऐसा होता है। तो चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। सो गाइज मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पर हेडफोन लगाया है, ये लगाया है मॉनिटरिंग के लिए, तो आप ही देख सकते हैं इस पोर्ट के थ्रू मैंने अपने फ़ोन के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है, और लाइव मॉनिटरिंग भी मैं यहाँ से कर रहा हूँ, मुझे पता लग रहा है कि मेरी वॉइस यहाँ पर कैसे रिकॉर्ड हो रही है। तो अभी मैं यहाँ पर करोके मोड ऑन करता हूँ, और मैं रूम के अंदर हूँ तो थोड़ा बहुत आपको साउंड का अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से यहाँ पर आ रही है, और मैं ज़्यादा तेज़ यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं करोके मोड यहाँ पर ऑन करता हूँ, तो मैंने इस बटन को एक बार प्रेस किया और यहाँ पर करोके मोड जो है वो ऑन हो गया है। तो अब आपको देख सकते हैं एक यहाँ पर रिवर्ब इफेक्ट यहाँ पर आपको मिलेगा ऑडियो में,
जो कि सिंगिंग के लिए सिंगर लोग यूज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। तो बेसिकली ऑडियो मैच करता है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से अगर आप सिंगिंग करते हैं तो ये इस तरह कुछ इसका रिवर्ब इफेक्ट है। अभी यहाँ पर मैं एक इसका आपको सैम्पल बाहर जाकर सुनवाता हूँ, इसका ऑडियो सैम्पल। तो चलिए बाहर चलते हैं और इसकी एक ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ बाहर इसको लेकर, और यहाँ पर मैंने जो है ये माइक कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी ये नॉर्मल मोड में यहाँ पर जो है ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। करोके मोड वगैरह मैंने यहाँ पर इनेबल नहीं किया है, तो एक बार मैं आपको करोके मोड इनेबल कर दिखाता हूँ। और मैं काफ़ी स्लो स्लो बोल रहा हूँ तो आपको अंदाज़ा पड़ रहा होगा साउंड क्वालिटी किस तरह रिकॉर्ड हो रही है। तो एक बार हम करोके मोड उसको, तो ये बटन यहाँ पर करोके वाला बटन यहाँ पर इसमें दे रखा है। अब मैंने यहाँ पर करोके मोड इसका ऑन कर दिया है, तो साउंड क्वालिटी और यहाँ पर सामने से जो थोड़ा सा हवा भी चल रही है तो आपको पता लग रहा हो कि किस तरह की ऑडियो जो है यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। तो ये कुछ इसका टेस्टिंग था गाइस। यहाँ पर आपको आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यहाँ पर बाकी दिखाने के लिए कुछ नहीं है। बाकी ये दो नॉइस रिडक्शन वगैरह जो है इनसे कोई मुझे इफेक्ट नहीं लगा यहाँ पर मैंने इसको टेस्ट किया था। तो यहाँ पर बेसिकली आपके साउंड को बहुत ज़्यादा दबा देता है अगर नॉइस रिडक्शन आप इसका यूज़ करते हैं तो, और माइक का वॉल्यूम बढ़ाते हैं कम करते हैं तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम का अंतर आता है। वैसे बाकी यहाँ पर कोई मेजर सा इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ता है। तो मैंने सारे ही सैम्पल टेस्ट वगैरह मोबाइल से किए हैं, ना कोई कैमरा वगैरह से नहीं किए हैं। एक बार मैं इसका इको मोड बंद कर देता हूँ। तो ये मैंने इसका करोके मोड जो है वो ऑफ कर दिया है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह कि आपको कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिलती है, यहाँ पर कई तरह की कनेक्टिविटी मिलती है और सारे ही पोर्ट यहाँ पर सेम टाइम वर्क करते हैं। ऐसे नहीं कि आप एक वर्क कर रहा है एक नहीं कर रहा हो। सो गाइज यहाँ पर मैंने अभी इसे कुछ टेस्टिंग की है, कुछ ऑडियो वगैरह यहाँ पर रिकॉर्ड किए तो आपने भी वो सुने होंगे। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको यहाँ पर क्या कमी लगी। तो मैं बताता हूँ मुझे यहाँ पर क्या दिक्कत लगी। तो यहाँ पर हम मॉनिटरिंग में जो ऑडियो सुनते हैं वहाँ काफ़ी अच्छा लगता है जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन आपके फ़ोन में जो ऑडियो रिकॉर्ड होता है उसमें कहीं कहीं आवाज़ दबी सी और बीच बीच में ऐसा होता है जैसे कनेक्टिविटी लॉस हो रहा हो, कटी कटी सी आवाज़ ऐसा होता है। और साउंड के साथ कुछ कुछ जो है यहाँ पर नॉइस सा भी कुछ रिकॉर्ड होता है, थोड़ा बहुत आवाज़ें आपको इस लेंगी, कुछ अजीब सा कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। ये पता नहीं कि यहाँ पर माइक्रोफोन की कुछ कमी है या रिसीवर की कुछ कमी है या फिर कोई कनेक्टिविटी लॉस है। बट आप इसको जब करोगे मोड में यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर एक अच्छी ऑडियो मिल जाती है, मतलब रिवर्ब के साथ। बट आप इसको जब नॉर्मल मोड में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ऐसा कुछ मैंने यहाँ पर नोटिस किया इसकी रिकॉर्डिंग में, और मैंने इसको वीडियो के अलावा भी अदर भी एक दो जगह यहाँ पर इसको टेस्ट किया तो वहाँ पर ही मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम मिली। तो ये लगभग 4000 रुपये का आपको मिल रहा है, तो 4000 रुपये के लिए यार ऐसा कुछ होगा, इसमें कुछ होगा तो ये मतलब यूज़ करने लायक नहीं है यार ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम होगा। बेसिकली मुझे यूट्यूब वीडियो के लिए चाहिए था तो यूट्यूब वीडियो के लिए मुझे ये वर्थ इट नहीं लगा, जो कि मेरा वायर्ड माइक है वही मैं यूज़ करता हूँ और अब भी उसी के थ्रू मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा वर्क करता है, अगर ऑडियो में थोड़ी बहुत एडिटिंग हम करें तो वो यहाँ पर एक अच्छी ऑडियो हमें दे देता है। तो चलिए गाइस वीडियो को बस इतना ही था।